Disco. नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं हूँ बरड़िया एग्रीकल्चर्स में, जहाँ महिंद्रा कंपनी का सेकंड हैंड में आपको पुराने ट्रैक्टर मिलेंगे और महिंद्रा का नए ट्रैक्टर का डीलरशिप है। और यहाँ आपको महिंद्रा का फोर व्हील ड्राइव से लेकर महिंद्रा के, मतलब अगर आप महिंद्रा ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उसमें नए में यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं, और सेकंड हैंड में महिंद्रा की भी लेंगे तो एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको यहाँ सभी चीज़ प्रोवाइड मिलेगा और यहाँ आपको फाइनेंस की भी सुविधाएँ। ओनली छत्तीसगढ़ में फाइनेंस होगा ये, अगर आप अदर से ले रहे हैं तो उसमें आपको एनओसी दे दिया जाएगा, कैश में लेना होगा ट्रैक्टर। तो चलो भैया को बुलाएंगे और यहाँ के सभी ट्रैक्टर्स का डिटेल्स आपको देते हैं लाइन से, तो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना एंड तक, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो भैया को बुला के एक एक डिटेल्स देते हैं। हमारे साथ है राजकुमार भैया, तो स्वागत करते हैं अपने चैनल में। कैसे हैं राजकुमार भैया? ठीक है, बढ़िया। अभी मार्केट कैसा है? दिवाली नजदीक है तो थोड़ा सा मंदा चल रहा है अभी। अच्छा, मंदा चल रहा है, मार्केट कब उठेगा? अभी नए में तो सेल आउट हो ही रहा होगा। नए में हो रहा है सेल आउट, है ना। तो अभी सेकंड हैंड में कितनी ट्रैक्टर है, कितनी बजट से रहेगी? बजट आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक रुपये तक का मिलेगा। 1 लाख से लेके 5 लाख, और अच्छी कंडीशन में भी कुछ ट्रैक्टर रहेंगे और ऊंची मॉडल, नीचे के भी मॉडल रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, ये है अर्जुन अल्ट्रा 1 605 जे, जिसको हार्वेस्टर में भी यूज करते हैं, है ना जी। ये कितने एचपी का रहता होगा? ये आपका आ जाएगा 57 एचपी का आएगा। 57 एचपी का, शायद 65 लीटर का इसका फ्यूल टैंक रहता है जी जी। ये कौन सी मॉडल होगी? ये 2013 का मॉडल है। 2013 का मॉडल है, इसमें लगभग हार्वेस्टर यूज हो सकता है, ऐसे नॉर्मल खेत वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये अभी क्या रेट रखे हैं आपके? इसका 2,20,000 रुपए है अपने पास। 2,20,000 मॉडल 13 बताया, 2013। अच्छा, इसमें कुछ गुंजाइश है कम ज्यादा के लिए? इसमें थोड़ा बहुत अपन कर सकते हैं, हो जाएगा 19-20 कर सकते। अच्छा, और जैसे कि किसी को आ रहे हैं बाहर से, तो कैश में ले सकते हैं फिर फाइनेंस होता है बाहर वालों के लिए? बाहर वालों के लिए फाइनेंस सुविधा भी है। अच्छा, है सुविधा, हो जाता है, मतलब ये छत्तीसगढ़ के बाहर भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जोंडियर का 5310, जो बहुत ही डिमांडेबल ट्रैक्टर है। जोंडियर की तरफ से चारों टायर नए हैं और ये शायद ऊंची मॉडल भी होने वाली है, और इसका एचपी भी 55 एचपी में निकल गया है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो 68 लीटर का फ्यूल टैंक रहता है। बताइए कौन से मॉडल हो गया? ये 2019 का है अपने पास में। 2019 के है। अच्छा, और कितना घंटा चल गया होगा फिर भी मैक्सिमम? ये लगभग ज़्यादा नहीं चला, 1500 घंटा का। 1500 घंटा, थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहेगा, उसके लिए आपको आके भी दिखाएंगे, है नहीं? तो क्या डिमांड है आपके यहाँ? इसके यहाँ 6,70,000 रुपये अपन प्राइस रखें इसका। 6,70,000 रुपये। अच्छा, इसमें भी आने के बाद कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा? थोड़ा बहुत हो जाएगा। इसके बाद है महिंद्रा का 475 DI है, जो आपको नीचे की मॉडल चाहिए, जैसे 10 की ऊपर की मॉडल, तो ये वाली ट्रैक्टर रिकमेंड करूंगा। महिंद्रा 475 DI है। कौन सी मॉडल होने वाली है? ये 2011 का मॉडल है। हाँ, 475। हाँ, 42 HP का गाड़ी है अपने पास में। 42 HP की गाड़ी है। 42 HP। अच्छा, इसके भी शायद 48 लीटर समथिंग फ्यूल टैंक रहता है। और क्या डिमांड करें इसका? इसका 2,20,000 रुपये है। इसका 2,20,000। अच्छा, इसके में थोड़ा बहुत तो आने के बाद बैठक, आने के बाद बैठक के बाद। इसके बाद है 2,75 DI है, 4,75 ले सकते हैं, ऑप्शन में 2,75 भी आपके पास है। बताइए कौन सी? ये 2010 का मॉडल है। अच्छा, अगर 11 का 4,75 ले सकते हैं, और ये है आपके पास 2,10 है नहीं, 2010 वाला। बताइए इसका? इसका 2,40,000 रुपये प्राइस है। हाँ, और रनिंग कंडीशन बहुत बढ़िया है इसका। कितने एचपी में आता है ये वाली? ये आपका आएगा 39 HP की गाड़ी है। 39 HP की गाड़ी है। इसके बाद है एक महिंद्रा का 4,75 DI है, ये बताइए। ये महिंद्रा का 4,75 DI। हाँ, कौन सी मॉडल होगी ये?
ये आपका है 475 DI 2012 का है, 2012 मॉडल। हाँ, 42 HP में आएगा ये। अच्छा, 42 HP की गाड़ी है जी, और लगभग ज्यादा नहीं चला होगा। और जैसे कि यहाँ कोई यार्ड में खड़े रहता है तो उसका अलग से कुछ चार्जेस वगैरह रहता है क्या? नहीं नहीं, कोई चार्ज यहाँ नहीं लगता ना। नहीं, 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 कोई अच्छा, चार्जेस नहीं। जो है आएंगे, जो प्राइस बता रहे हैं उसी में क्या रेट रखें इसका? ये अपना है 2,50,000 रुपए का है। 2,50,000 में वो जो है आने के बाद भैया के दयारी से हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, हम बुलाएंगे आगे आके दिखाइए। ये वाली है बी 275 DI है अपने पास, TU है ना ये वाली? हाँ, TU है। TU कितने HP? इको TU में थोड़ा फर्क रहता है क्या HP में? जी। ये कितने HP में रहता होगा? ये 39 HP में है। हाँ, हाँ। 275, हाँ। 2014 का मॉडल है ये। 2014 मॉडल, 2014 का मॉडल है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हो इसका? इसका 3,20,000 रुपए प्राइस है। हाँ, 3,20,000 जी। इसके बाद है महिंद्रा का बी 275 DI है, TU में है वो भी जी। TU ये 2010 का मॉडल है। अच्छा, वो 10 की मॉडल, ये 10 का मॉडल है। अगर नीचे की किसी को लेना है तो ये वाली है, ले सकते हैं, ले है सकते हैं, ले सकते हैं। बताइए, पूरा कंप्लीट हुड वगैरह सब रेडी है, रनिंग कंडीशन है? रनिंग कंडीशन, ये सभी तो नॉर्मल स्टेयरिंग में आते हैं, है ना? 3 सिलेंडर में होगा ये। हाँ, है ना? बताइए क्या? ये 2,20,000 रुपए का, 2,20,000 10 की मॉडल है, 10 की मॉडल। इसके बाद है एक और महिंद्रा बी 275 DI है। अच्छा, 2009 की मॉडल है ये, 2009 का मॉडल है। रेट भी है 2,10,000, 2,10,000 है इसका प्राइस। हुड वगैरह लगा के रेडी करके देंगे। इसके बाद आगे के ट्रैक्टर्स देखते हैं। अब है अपने पास है महिंद्रा का 475 DI है, बताइए भैया। 475 DI 42 HP 2012 मॉडल, जिसका शोरूम प्राइस है 2,40,000 रुपए। 2,40,000 आने के बाद मिलेगा, है ना? इसके बाद है जो 34 HP के कैटेगरी में अगर लेना चाहते हैं, कम HP के, 434 DS पावर ट्रैक, जो डीजल सेवर के नाम से आता है। हाँ, 34 HP का आएगा, 2018 मॉडल है ये। और इसका शोरूम प्राइस है 4,00,000 रुपए रखे हैं। 4,00,000 रुपए रखे हैं जी। अच्छा, बाकी पूरा ओके है, रनिंग में है? ओके है, रनिंग नॉर्मल स्टेयरिंग। हाँ, बैठने पर थोड़ा 19-20 अपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद है एक सोनालिका की गाड़ी है, DI-42RX CM सीरीज, है ना जी। 42 HP का ये ट्रैक्टर है। हाँ, 3,80,000 प्राइस है इसका। 3,80,000 में 2016 मॉडल, 16 मॉडल। ये तो पूरा ओके है, ओके। और इसका लेंथ भी थोड़ा ऊपर रहता है ना बाकी ट्रैक्टरों से। तो लगभग इसमें हमने करीबन 10-12 ट्रैक्टर दिखाए हैं। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10-12 ट्रैक्टर और दिखाने वाले हैं। तो इसमें जो भी ट्रैक्टर आपको पसंद आएगा, तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। शोरूम कितने टाइम ओपन होता है? शोरूम 9 बजे, 9 बजे से शाम के 8 बजे तक, 8 बजे तक कॉलिंग टाइम रहेगा जी। उसमें आप कॉल कर सकते हैं, और उसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी भैया के दे दिया जाएगा, जिसमें एक नितेश भी है और एक अल्पेश भी है ना जी। दोनों का नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए बाय।